केरल में बारिश और बाढ़ से तबाही में अब तक 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर। हालात का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी केरल पहुंचे। बाढ़ से तबाह केरल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन, बेटी नमिता ने मुखाग्नि दी, हजारों की तादाद में प्रशंसक उमड़े। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आज से मॉरिशस में शुरू होगा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शिरकत करेंगी। इमरान खान आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू शपथ ग्रहण के लिए पाकिस्तान पहुंचे। नॉटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। और इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में आज से एशियन गेम्स का आगाज़।